वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियोस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना लर्न कर चुके हैं, तो इसी के बेस पर मैं आपसे एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो आप ही को खुद सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप पॉज माय वीडियो एंड राइट नोट डाउन ऑल द सेंटेंसेस, देन चेक ईच एंड एवरी सेंटेंसेस। इससे आपको पता चल जाएगा आप कितना कर पा रहे हो। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में मिस्टेक निकलता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियो में जाइए जो मैंने स्ट्रक्चर पूरा समझाया है, ठीक है, और फिर आप चेक कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बेस पर मैंने कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं। देन डोंट ट्राई टू चीट, लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं यहाँ बता रही हूँ, आई होप अब आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। मोहन वॉज एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। मोहन अपने सर्वेंट को एब्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वॉज बीइंग और वर बीइंग, यानी दो पार्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और वही रूल, थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, इसमें तो देखना ही नहीं है वर्ब की। तो चलिए देखते हैं, मोहन अपने सर्वेंट नौकर को गाली दे रहा है, उसके सर्वेंट को मोहन के द्वारा गाली दी जा रही, गाली दे रहा था, वॉज है सॉरी, गाली दे रहा था, उसके सर्वेंट को गाली दी जा रही थी, मोहन के द्वारा दी जा रही थी। फिर से जाना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। अब इसके बाद वॉज और इसके बाद बीइंग, इसके बाद थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड बाय सब्जेक्ट मोहन। बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया। हिज सर्वेंट वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय मोहन। अब नेक्स्ट, इज ही बीटिंग योर सन, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या वह तुम्हारे बेटे को मार रहा है, पिटाई लगा रहा है, ठीक है। क्या तुम्हारा बेटा उसके द्वारा पीटा जा रहा है? ये इसकी हिंदी हो गई। तो ये सिंगल इंटरोगेटिव है। सिंगल इंटरोगेटिव की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से ही ना, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब इज बी होगी। लेकिन देखिए, एक्टिव वॉइस में दो पार्ट पे हेल्पिंग वर्ब होती थी, तो फर्स्ट पार्ट तो पहले ही लग जाता था इज, और हमें कुछ भी लगाना होता था वो सब्जेक्ट के बाद। तो इधर सेकंड पार्ट भी कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद, बस इतना चेंज होगा, उधर सब्जेक्ट के बाद, इधर ऑब्जेक्ट के बाद। तो इज और बीइंग दो है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? योर सन, इज योर सन। फिर बीइंग, beat, is your son being beat by him? तो यहाँ पर डाउट तो होगा, कुछ तो मिस्टेक है। अरे यहाँ पर क्या फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। मैंने यहां कौन सी फॉर्म लिख दी है? beat, फर्स्ट फॉर्म। अपना रफ्तार करना, आप लोग बिल्कुल सही थे। इज योर सन बीइंग बीटन बाय हिम, बीट बीट बीटन। रवि इज रीडिंग अ बुक इन दिस रूम, अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रवि अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा है, एक किताब रवि के द्वारा अपने कमरे में पढ़ी जा रही है। अच्छा देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने बताया था आप हमेशा देखिए मेन वर्ब और उसके बाद वाला जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो उससे कर दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर आप बुक, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको भी कभी कभी समझ जाते हो इन दिस रूम, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है सेंटेंसेस का। हम बता रहे हैं इस रूम में, मैं आपको आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करवाऊंगी, उसमें आपको ये सब बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है, तो बेटर है कि ये, और कुछ बच्चे क्या बोलते इन दिस रूम, बिल्कुल गलत हो जाता है, इसको ले जाते आगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेन वर्ब के पास वाला जो ऑब्जेक्ट है आप उसी को लेके चलिए, इससे मतलब मत रखिए, ये एज इट इज ऐसी आ जाएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही आपका कभी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो बेटर है आप बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय
रवि हो गया। Were you cooking the food? क्या तुम खाना बना रही थी? क्या खाना तुम्हारे द्वारा बनाया जा रहा था? तो वर भी लग जाएगी, वर का वर। कुछ नहीं करा, अभी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग यही होता है, तो ठीक है। वर द फूड, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई इधर? सही तो लगाया? नहीं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर यू था, प्लूरल माना जाता, उसके अकॉर्डिंग तो वर ठीक था, लेकिन जब हम यहाँ द फूड को लाए तो वर हमारा रॉन्ग हो गया ना। वॉज द फूड बी वॉज, ये ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है? एक बार जरूर चेक करिएगा, कभी कभी इसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। वॉज द फूड बी कुक्ड बाय यू? वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिख रहा था? क्या एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा था? ये होगी इसकी पैसिव फॉर्म, ठीक है? तो वॉज, अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद सेकंड पार्ट लगेगा बीइंग, तो ले आओ, तो आपको लंबे हो गया, वो अ लेटर ऑब्जेक्ट है। वॉज अ लेटर बीइंग, अच्छा जरा इसमें चेक कर लीजिए, वॉज इसके अकॉर्डिंग भी सही बैठ रहा है, नहीं हाँ सिंगुलर है ये भी, यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी था, तो वॉज ही यूज होगा, ठीक है? वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी, आई मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट है आपका, व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लगिंग हिज फील्ड? किसान अपना हल क्यों नहीं जोत रहा था? सॉरी, किसान अपना फील्ड क्यों नहीं जोत रहा था? तो अपना फील्ड किसान के द्वारा क्यों नहीं जोता जा रहा था, ठीक है? अब इसका बनाइए बाय का बाय, ठीक है? ये भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग, तो वॉज तो पहले ही आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बीइंग, तो इसमें क्या है? द फार्मर नॉट प्लगिंग हिज फील्ड बाय वॉज हिज फील्ड। Why was his field? अब not कहाँ आएगा इसमें? पहले not आता था subject के बाद, इसमें कहाँ आ जाएगा? Not, object के बाद। Why was his field not? फिर इसके बाद आएगा being, बचा हुआ part। Why was his field not being plucked by the farmer? Why was his field not being plucked by the farmer? अब next देखिए, cow is not grazing grass, ठीक है? तो ये हो गया इसका object, ये हो गया इसकी main verb। Grass is not being grazed by the cow, grass is not being raised by the cow। तो ये आपके हो गए पैसिव वॉइस कंटिन्यूस के। नेक्स्ट में हमारे परफेक्ट के पैसिव वॉइस और बचे हैं जो हम लर्न करेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और वीडियो। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप किसी भी टाइम मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। देन वी विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।